हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक निटिंग कोर्स लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, आपको बिल्कुल बुनना नहीं आता है, तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो मैं एक पूरा कोर्स बनाऊंगी, रोज़ हमारा इसका एक वीडियो आएगा, आप उसको देख के सीख सकते हैं। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप पूरी निटिंग सीख के आप सारे प्रोजेक्ट ईजिली बना सकते हैं, जितना जो मन चाहे आप बना सकते हैं अपनी मर्जी का। तो देखिए, सबसे पहले हमें निटिंग सीखने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए ऊन और सलाइयाँ, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती है। उसके अलावा भी बहुत सारी एक्सेसरीज़ होती हैं, वो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। बेसिक सीखने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, और इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए शुरू में। तो आपको सबसे पहले अपने हिसाब से ऊन और सलाइयाँ लेनी है। कैसे लेनी है? जो ऊन होता है वो आपको 3-ply 4-ply का लेना है, वर्धमान और ओसवाल का आता है 3-ply और 4-ply नॉर्मल साइज़। तो उसमें क्या होता है, आप कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं इजीली 9 नंबर और 10 नंबर पे। वैसे नॉर्मली 10 नंबर में इस पर लगाती हूँ, तो आप भी 10 नंबर ले लीजिए। उसके अलावा देखिए, मैं आपको सिखाऊंगी फंदे कैसे डालते हैं, उसके बाद उनको आगे कैसे बनाना है, कौन से प्रोजेक्ट में कैसे किस तरीके से हम शुरू करेंगे, कैसे हम एंड करेंगे, फंदे बंद करना, सब कुछ मैं आपको इसमें सिखाऊंगी जितना निटिंग में होता है। उसके अलावा जो कवर नहीं होगा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चले यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, ये ऊन है, नॉर्मल 3-ply ऊन है ये सारी, ये भी 3-ply है लेकिन ये थोड़ी सी मोटी है, इस पर 9 नंबर की सिलाई लगती है। अब डिपेंड ये करता है, कई बार हमें प्रोजेक्ट ऐसा चाहिए जैसे हमें थोड़ा सा मोटा चाहिए, नॉर्मल से हमें थोड़ा सा गफ साइज चाहिए, तो उसमें हम इसमें भी सेम नंबर की सिलाई यूज़ कर सकते हैं 10 नंबर की। लेकिन जो ये वाली होती है नॉर्मल, जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, कैप बुनते हैं, उसको हमें 10 नंबर से ही बनाना है, 10 नंबर से ही वो ठीक बन के आता है। अब इतनी सारी टाइप की सिलाइयाँ होती है, आपको इतना सारा लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैं लेती हूँ। अब जब आगे आप स्वेटर बनाना सीखेंगे तो आपको ऐसे डबल पॉइंटेड गले बुनने वाली भी लेनी होगी। तो मेरे हिसाब से पोनी जो कंपनी है उसकी बिल्कुल सही आती है निडिल, मैं उसी की यूज़ करती हूँ, सारी उसी की हैं, मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ। अगर आप भी यूज़ करेंगे तो आपको भी पता चलेगा उसके बाद। अब 10 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर, 3 साइज आप लेके रख लीजिए। उसके अलावा आगे सीखते हैं। अब देखिए, मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ इसमें से सेलेक्ट कर ली हैं। 10 नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, 10 नंबर 9 नंबर इससे मोटा होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये मोटा और कम ज़्यादा होता है सबका, ये 10 नंबर है और ये हमने ऊन ले लिया। अब ऊन क्या होता है, आपको ऐसे लच्छी में भी मिल सकता है इस तरीके से, इसका आपको गोला बनाना होता है। तो पहले आप इस तरीके से बॉल बना लेंगे, ऊन को यूज़ करने के लिए आपको बॉल बनाना होता है, और इस तरीके से भी आता है, ये भी वर्धमान का है, इस तरीके से भी आ सकता है। अब देखिए, कुछ तो आपको बॉल बने बनाए मिलेंगे, कुछ आपको बेबी वाले ऊन मिलेंगे, कुछ आपको थोड़ा सा ज़्यादा मोटे मिलेंगे, कुछ वेलवेट वाली मिलेंगी, कुछ आपको कंबल बनाने वाली मिलेंगी, बहुत तरह के ऊन होते हैं। जो आपको बनाना है आप उसके हिसाब से ही सेलेक्ट करेंगे। अब स्टार्टिंग में तो आपको यही वाला यूज़ करना होता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वही आपको लेना है। वर्धमान कंपनी की आती है, नॉर्मल वाली ऊन होती है, चार्मिंग आती है और रैबिट एक्सेल आती है, इस तरह के नामों से आती है, लेकिन रहती वो 3-ply है। बस आपको उसमें क्या डिफरेंस होगा, कोई थोड़ा शाइनी होगी, कोई थोड़ा नॉर्मल होगी दिखने में, जो आपकी पसंद की है आप वो ले लीजिए, कलर भी अपने पसंद से आप चूज़ कर सकते हैं। अब नॉर्मली सीखने के लिए देखिए, नॉर्मल धागा है, इसमें कोई शाइन नहीं है, ये वाला धागा सीखने के लिए परफेक्ट रहता है, इसमें ये नॉर्मल 3-ply है, ये मैंने लिया था ओसवाल का है, ये नॉर्मल वाली आती है ओसवाल की, ये सीखने के लिए आपके लिए परफेक्ट रहेगी इसलिए बता रही हूँ। अब जैसे आपने गोला ले लिया है, उसको आपने जो ये पॉइंट होता है, देखिए ये गोले से जुड़ा हुआ पॉइंट होता है, देखिए ये एक, देखिए इसका एंड है धागे का। अब इसको आपको डबल करना है इस तरीके से, यहाँ तक इसको डबल करना है ऐसे। सबसे पहले हम डबल से ही सीखेंगे, जितनी आपको फंदे चाहिए उस हिसाब से आपने ये पूरा डबल कर लेना है, इतना लंबा इसको ले जाते हुए जाना है, जितने फंदे डालने होंगे उस हिसाब से कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा लंबा छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
अब क्या करना है, फंदे डालने के लिए जो ये धागा है जहां पे हमने ये डबल किया है, इसको हमने देखिए, ये देखिए यहाँ पे डबल किया है, इसको हमने इस अंगूठे से ऐसे दबा के रखना है, इन दोनों को दबा के रखना है देखिए सिंपली। उसके बाद अंगूठा है, अंगूठे पे ये धागा एक बार हम ऐसे लपेट देंगे, ये हमने लपेटा। अब ये जो सलाई है यहाँ पे डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला पॉइंट है ये छोड़ देंगे, सिर्फ हम इसको लपेटेंगे सलाई पे। ये देखिए सलाई पे लपेटा, ये पॉइंट इधर ही छोड़ देंगे और इसको खींच लेंगे ऐसे। ये देखिए एक फंदा हमारा डल गया और यहाँ पे नॉट लग गई, ये अब खुलेगा नहीं, इस तरीके से डाला। अब देखिए अब दूसरा फंदा हम किस तरीके से डालेंगे, मतलब आगे जो फंदे हैं वो हमने किस तरीके से डालने हैं। देखिए पहले हम दोनों हाथों से, मैं आपको डालना सिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे अंगूठा है, ऐसे किया, ऐसे यहाँ से डाला, ये धागा लपेटा और ये इसके ऊपर से उतार दिया। देखिए अंगूठे पे धागा लपेटा ऐसे, यहाँ से ले गए सलाई ऐसे, यहाँ से ये वाला धागा जो गोले पे लगा हुआ है वो लपेटा ऐसे और ये इसके ऊपर से छोड़ दिया ऐसे। फिर इस तरीके से बस सारे फंदे हमने इसी तरीके से डालने हैं जो नॉर्मल फंदे होते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको जल्दी आएगा। ये तो हमने दो हाथों से डाला, सेम फंदे आप एक हाथ से भी डाल सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ा, ये देखिए नॉर्मली ऐसे पकड़ा, ये जो डबल है उसको अंगूठे पे लपेटा और सिंगल वाला उंगली पे है। यहाँ से सलाई डाली, इसको ऐसे लिया और ये ऐसे, फिर यहाँ से सलाई डाली, इसको यहाँ से लिया और ये छोड़ दिया, फिर यहाँ से सलाई डाली, यहाँ से लिया और ये छोड़ दिया, यहाँ से सलाई डाली, ये लिया और छोड़ दिया। शुरू में आप एक दो हाथों से डाल सकते हैं। देखिए जो पहले का तरीका है वही हम आजमाएंगे, ऐसे यहाँ से और ये लपेटा और ये ऐसे कर दिया, फिर यहाँ से ऐसे किया, फिर ये लपेटा और ऐसे कर दिया, फिर यहाँ से लिया ऐसे, सलाई ऐसे डाली, देखिए ध्यान से, और ऐसे किया, धागा लपेटा और ये इसके ऊपर से छोड़ दिया। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सलाई पकड़ने में तो आप किसी चीज़ पे ऐसे टिका के भी इसको रख सकते हैं। ऐसे किया, यहाँ से देखिए अंगूठे से ऐसे डाला, ऐसे ये यहाँ से लपेटा, ये इसके ऊपर से उतार दिया और ये खींच लिया, फिर ऐसे लपेटा, यहाँ से डाला, ऐसे लपेटा, ऐसे खींच लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे डाला, ऐसे किया और खींच लिया, फिर ऐसे लपेटा इस तरीके से। तो सारे फंदे हमने ऐसे ही डालने हैं। देखिए ये सिंपली आपने धागा पकड़ा, अंगूठा इस पे लपेटना है, यहाँ से सलाई ऐसे डालनी है, इसके ऊपर से धागा घुमाना है, इसको फिर से ऐसे करके इसके नीचे से लाके छोड़ देना है। बस यही तरीका है फंदे डालने का। ऐसे आप जितनी बार करोगे आपको प्रैक्टिस होगी, फिर आप इतनी जल्दी, देखिए जैसे जल्दी जल्दी डालते हैं वैसे डाल पाओगे। फिर मैं एक हाथ से ही डालती हूँ, दोनों धागे एक ही हाथ पे हमारे आ जाते हैं बहुत इजीली। अगर आप एक हाथ से प्रैक्टिस करते हो तो भी कोई बुरा नहीं है। इस तरीके से आप पकड़ लीजिए, इस हाथ से सिलाई पकड़ी, ऐसे किया, यहाँ से लाए और ऐसे, फिर यहाँ से किया, ऐसे लाए, ऐसे, यहाँ से किया, ये ऐसे लाए और ऐसे, यहाँ से किया, ये ऐसे, फिर यहाँ से किया, ये ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हमने फंदे डाल दिए। अब ये तो हमारा सीखने के लिए हमने फंदे डाले हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो उसके हिसाब से आपको उतने फंदे लेने हैं। जैसे अगर हमने कैप बुननी तो 100 से ऊपर आपको फंदे लेने हैं। किस साइज़ में बना रहे हो उस हिसाब से फंदे लेने हैं। बच्चे के लिए बना रहे हो तो कम फंदे लगेंगे, बड़े के लिए बना रहे हो कम फंदे लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, तो इस हिसाब से अलग अलग साइज़ के फंदे होते हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको फंदे डाले। कल से हम एक और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम कि आगे हमें प्रोजेक्ट कैसे शुरू करना है। तो ये देखिए हमने फंदे डाल दिए, इसके बाद की जो ये लाइन है ये पूरी
उल्टी आती है, तो ये हमने उल्टा बुनना है। तो उल्टा कैसे बुनना है, जो अंदर की साइड रहता है उसको उल्टा बोलते हैं, ये बाहर की साइड रहेगा इसको सीधा बोलते हैं। तो ये हमने देखिए कैसे बुनना है, ऐसे डाला, देखिए ये जो धागा है ये अब हमने छोड़ देना है, जो डबल धागा है इसको हम छोड़ देंगे, इस पर हमने नहीं करना है आगे काम। ये क्या, यहाँ से ऐसे सिलाई डाली इस पर, इस तरीके से धागा इस हाथ में लिया, इसको लपेटा ऐसे, फिर इसके अंदर से निकाला और छोड़ दिया, फिर इसमें डाला फंदे में इस तरीके से, और धागा देखिए ऐसे लपेटा और ये ऐसे लिया इसके अंदर से और छोड़ दिया, फिर इसके अंदर ऐसे सिलाई डाली, धागा ऐसे लपेटा और ये देखिए सिलाई इस फंदे के अंदर से इस धागे को लपेटते हुए निकालनी है ऐसे, जो ये धागा है इस सिलाई पे आ जाना चाहिए और इसको हम छोड़ देंगे ऐसे, इसमें डाला लपेटा ऐसे किया छोड़ दिया, इसको बोलते हैं हम उल्टे फंदे। जब भी हम बोलेंगे उल्टा बुनना है तो आपको हमेशा इस तरीके से ही बुनना है फंदे को, जब भी आपको कहीं पर भी, क्योंकि जैसे आगे आप पैटर्न बुनेंगे उस पर भी उल्टा और सीधा आएगा, इसको बोलते हैं पर्ल वाइज इंग्लिश में और उल्टा फंदा हिंदी में, इस तरीके से ऐसे यहां से डाला लपेटा ऐसे कर दिया, ज्यादा टाइट नहीं करना है, लपेटना भी टाइट नहीं है, ऐसे सिलाइयां भी नॉर्मली पकड़नी है ऐसे, ये किया ऐसे घुमाया ऐसे, फिर ऐसे किया घुमाया ऐसे, फिर ऐसे किया घुमाया ऐसे, फिर ये डाला घुमाया ऐसे, ये देखिए ये डाला ऐसे घुमाया और ऐसे कर दिया, ये देखिए ऐसे किया ऐसे घुमाया और ये इसके अंदर से निकाल के छोड़ दिया। ये देखिए ऐसे किया घुमाया और ये छोड़ दिया, फिर इसमें सिलाई डाली घुमाया और ये ऐसे करके छोड़ दिया, फिर सिलाई डाली घुमाया छोड़ दिया, इस तरीके से हमने ये सारे उल्टे फंदे बुनने, ये लाइन पूरी उल्टी बुननी, मतलब फंदों को उल्टा बुनना है। तो जरूरी नहीं कि आपका उल्टा फंदा उल्टी साइड ही आएगा, कई बार हम सीधी साइड पे भी उल्टा बुनते हैं, लेकिन जनरली जब हम प्लेन प्लेन बुनते हैं बेसिक जो निटिंग होती है उसमें ये वाली साइड अंदर को जाती है। अब सीधा फंदा हमें कैसे बुनना है, ये वाली एक लाइन तो हमने छोड़ दी, पहला फंदा हमें हमेशा स्लिप करना होता है, यानी कि उतार के लेना होता है, ये हमने ऐसे उतार दिया बिना बुने ही। अब सीधा फंदा ऐसे डालेंगे, उल्टा हमने इस तरीके से डाला था, धागा भी हमारी तरफ था, इस टाइम धागा पीछे है, सिलाई डाली ऐसे घुमाया यहाँ से निकाला और ये छोड़ दिया, सिलाई ऐसे डाली ऐसे लपेटा ऐसे निकाला और छोड़ दिया, सिलाई डाली धागा घुमाया इसको ऐसे निकाला और छोड़ दिया, सिलाई डाली धागा ऐसे घुमाया फिर निकाला और छोड़ दिया, सिलाई ऐसे डाली धागा घुमाया अपनी तरफ को ऐसे लाया और छोड़ दिया, फिर सिलाई इस तरीके से डालनी फंदे में, ऐसे ऐसे लपेटना है फंदा, फिर इसको ऐसे लाना है बाहर और ये ऐसे छोड़ देना है फंदा, फिर ऐसे लपेटा ये वाला ऐसे लिया और फंदा छोड़ दिया, ये वाला फंदा हमने निकालने के बाद इसको छोड़ देना है, जैसे हम ऐसे करेंगे अब ये वाला फंदा हम छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ से लाएंगे ऐसे ये वाला फंदा छोड़ देंगे। तो जब भी हम ऐसे बुन के लाते हैं तो ये वाला लेफ्ट वाले फंदे हम छोड़ते जाते हैं जब भी हम उसको बुनते हैं। आपको ऐसे बुनना है, ना ही वो टाइट हो ना ही ज़्यादा लूज हो, और आपके फंदे अपने आप से ना निकले। इस तरीके से हमने सिलाई डाली, फिर से हम वही कंटिन्यू करते जाएंगे ऐसे करके, इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही इजीली जल्दी जल्दी बुन सकते हो इस तरीके से। ये हो गई दो लाइंस, एक सीधी एक उल्टी। फिर से आ गए हम उल्टी साइड पे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा सिलाई डाल के पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला ऐसे बनाएंगे, देखिए ऐसे। अब ऐसे ही बनाते जाएंगे, उल्टी लाइन उल्टी और सीधी, उल्टी सीधी ऐसे, ये देखिए
प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ आपको, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, उल्टा सीधा बुनने की, ऐसे ऐसे डाला, ऐसे किया, ऐसे फिर ऐसे डाला, ऐसे लपेटा, यहाँ से लिया और छोड़ दिया, फिर ऐसे लपेटा और ये छोड़ दिया, ऐसे किया, लपेटा ऐसे करके और छोड़ दिया, फिर ऐसे किया, ये लपेटा और ये छोड़ दिया, ऐसे किया, लपेटा, ऐसे पहले निकाला और फिर छोड़ दिया। हमेशा आपको पहले ये सिलाई बाहर निकालनी है, फिर ये छोड़ना है, फिर हमेशा ऐसे करा, फिर सिलाई बाहर निकाली छोड़ दिया, फिर ये किया, लपेटा, सिलाई बाहर निकाली छोड़ दिया, फिर ऐसे किया, लपेटा, सिलाई ऐसे निकाली छोड़ दिया। इस तरीके से हमने ये उल्टा बुनना है, ऐसे ये देखिए फंदे में ऐसे डालना है, सिलाई पे धागा ऐसे लपेटना है और ये ऐसे निकाल के छोड़ देना। ये प्रोसेस है, स्लो में दिखा रही हूँ मैं, ऐसे और ये निकाला और एक छोड़ दिया। लेकिन जब हम इसको जल्दी करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन वैसे में अगर आप करोगे शुरू में तो ऐसे ये करके छोड़ दिया, फिर ऐसे किया, ये करके छोड़ दिया, बस ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। ये देखिए आप फिर से सीधी लाइन, तो सीधी लाइन में ऐसे। अब आप कैसे पहचानोगे कि आप कौन सी लाइन में हो? सबसे पहली चीज, आप अगर सीधी साइड की बुनाई देखोगे तो ये ऐसी दिखेगी, ये देखिए ऐसे जो धारियां लाइन लाइन आती हैं इस तरीके से, वी वाली इस तरीके से दिखेंगी। उल्टी साइड की बुनाई ऐसे दिखेगी, ये उभरा उभरा जो दाने दाने दिखते हैं ये उल्टी साइड की रहती है। जब भी आपको ऐसा दिखे कि आप ऐसे अपनी तरफ सिलाई कर रहे हो, धागा यहाँ पे है और ये ऐसी धारियां आपकी साइड आ रही हैं, तो आपको ऐसे में बुनना है, सीधे में इस तरीके से, ऐसे ऐसे। देखिए अगर मैं जल्दी बुनूंगी तो इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो रहा है वो इधर से उधर। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए बहुत इजीली आप बुन सकते हो। तो आप ये दोनों प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ऐसे इस साइड देखिए इतना वाला दिखेगा ऐसा वाला, और उल्टी साइड देखिए ऐसे वाला दिखेगा, ऐसे दाने वाला। तो आज के लिए अभी इतने पे ही हम इसको छोड़ते हैं। आप ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, चाहे तो हम कैप कर सकते हैं या कोई स्वेटर कर सकते हैं बच्चे का, तो वो हम करेंगे। मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, उतनी ही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो फिर ये प्रैक्टिस कीजिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।